हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीपक सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मिस्टर प्लम्बर एंड इलेक्ट्रिशियन में। गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिलेगा। तो गाइस, आज इस वीडियो में आपको सीखने को मिला एक देसी जुगाड़। अगर आपकी पाइप कहीं बीच में से टूट जाती है, जैसे मान के चलो हमारे इस एरिया में क्या सिस्टम है कि पाइप डालने का तरीका जो कंक्रीट में भर के लेके आते हैं या दीवार के अंदर अंडरग्राउंड होती है। तो अगर क्योंकि इसमें क्या हुआ था, जो मेरा ये काम खुद का काम था, इसमें क्लाइंट के दो रेन वाटर थे जो कि एक एक आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन चेंज कर दिया। उस चक्कर में एक हमारा जो रेन वाटर पाइप वो कैंसिल हो गया था, मतलब डाल तो दिया था पर वो बंद हो गया। बट हमारा एक रेन वाटर का पाइप बचा था थोड़े से एरिए के लिए, कम से कम होगा कोई 500 स्क्वेयर फिट एरिया। उस 500 स्क्वेयर फिट एरिए के लिए हमने नैनी ट्रिप लगा रखा था ऊपर। तो गाइस, कभी भी ध्यान रखना, जब रेन वाटर के लिए आप कहीं भी ज़्यादा पानी आए, 500 स्क्वेयर फुट अगर एकदम तेज़ बारिश हो जाए तो 500 स्क्वेयर फुट पानी नहीं निकलता है। तो हमने उसमें क्या किया कि जो हमने रेन वाटर का पाइप पहले डाला था वहाँ पर डिज़ाइन आ गया, और जो सा हमने पहले नैनी ट्रिप कंक्रीट में भरा था वो नैनी ट्रिप हमने तोड़ना पड़ा। क्यों, किस लिए तोड़ना पड़ा? क्योंकि नैनी ट्रिप के अंदर से एकदम तेज़ बारिश वाला पानी नीचे नहीं जा पाता था। तो इस चक्कर में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने उस नैनी ट्रिप की जगह को तोड़ा और उस जगह पे हमने सिंपल पाइप का टुकड़ा किस जुगाड़ से हमने सेट किया है, क्योंकि ये दिक्कत कभी आपको भी आ सकती है, किसी भी प्लम्बर भाई को आ सकती है। तो इस चीज़ को मैं पूरा अच्छे तरीके से दिखाऊँगा इस वीडियो में। तो जो भाई चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना। सो वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने नैनी ट्रिप को तोड़ दिया, जो ये नैनी ट्रिप है, और दूसरी साइड हमारा पाइप का टुकड़ा है। तो हम यहाँ का क्या करेंगे, सबसे पहले हम साइड का हिस्सा, क्योंकि ज़्यादा हम तोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि नैनी ट्रिप हमारा पहले ही कंक्रीट में, और हम ज़्यादा तोड़ेंगे तो हमारा पाइप नीचे वो हमारे जो लेंटर ज़्यादा टूट जाएगा, नीचे से आर पार होल हो जाएगा। तो ये देखिए, हमने पाइप का टुकड़ा कट किया यहाँ से, और कट करने के बाद थोड़ा सा स्पेस और निकालेंगे बीच में से। तो आपको पूरा कंप्लीट दिखाऊंगा मैं किस तरीके से इस जॉइंट को लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें सीधा पाइप का टुकड़ा ही चाहिए, इसीलिए ये हम एक देसी जुगाड़ लगा रहे हैं। बट ये गाइस कभी भी लीक नहीं होता, क्योंकि सॉल्वेंट पूरा लगाएंगे तो कभी लीक नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा, क्योंकि पूरा पूरा हमारा ये टुकड़ा है, ज़्यादा ना हो, मतलब पूरा पूरा हो। ढीला रहेगा तो फिर तो नीचे चला जाएगा टुकड़ा। और आप अगर आप पूरा टाइट टाइट इस पाइप के टुकड़े के अंदर डालते हैं तो ये पूरा पूरा फिक्स आएगा। आपको दिखाते हैं अभी, जैसे कि ये हमारा पाइप है और इस पाइप के अंदर हमने ये पाइप अभी हमने ये देखिए डाल दिया, तो थोड़ा बहुत और भी कट करना पड़ेगा। ये देखिए, पूरा सीधा कट लगाना होगा, क्योंकि इसे हम पाइप के अंदर लगाएंगे और इसके ऊपर हम एक पाइप और चढ़ाएंगे। आपको दिखाते हैं, क्योंकि पूरे मेजरमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा, जो कि बाद में लीकेज का चांस भी ना बने। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने कर रहे हैं, ये देखिए। ये हमने पाइप का जो पाइप का टुकड़ा फिर से कट कर रहे हैं, क्योंकि उस हिसाब से आपको देखना होगा कि आपका कितना टुकड़ा कटेगा कितना नहीं, उस हिसाब से आपको चेक कर करके लगाना होगा। ये देखिए, ये हमारा पाइप का टुकड़ा अंदर चला गया, हमने इधर से चेक कर लिया, और उसके बाद हम इसी को सॉल्वेंट लगा करके उसके अंदर भेज देंगे। ये देखिए, दूसरी साइड से भी हम लगा के देख रहे हैं। तो ये देखिए, ये दूसरी साइड से नहीं गया, अभी और सेट करेंगे, पूरे अच्छे तरीके से सेट करना है इसको। इसमें आपको सारा रियल दिखाया था, क्योंकि हर प्लम्बर इतना टाइम लगाया था इतनी चीज़ को करने के लिए, तो आपको 10 मिनट में एक ट्रिक सीखने को मिल जाएगी। अगर आपको ये दिक्कत आ जाए कभी भी, कहीं भी आपने जॉइंट लगाना तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं, क्योंकि इस कट वाले हिस्से को ऊपर की साइड कर दें और अच्छे सॉल्वेंट लगा दें तो पाइप कभी भी लीक नहीं होगी। अगर गाइस आप ड्रेनेज सिस्टम में डालते हैं तो ड्रेनेज सिस्टम में क्या होता है कि लीकेज होने का चांस रहता है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम में कचरा वगैरह जाता है, कचरा इस
इसका जो ये हम पाइप अंदर लगा देंगे, इसके कारण फिर कचरा इस पाइप में ठहरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये है खड़ी पाइप, ऊपर से सीधा नीचे को पानी जाएगा। तो इसीलिए ये हम टुकड़ा लगा रहे हैं, क्योंकि इस अगर ये टुकड़ा लगा देंगे तो कोई भी कचरा नहीं ठहरेगा, सीधा नीचे चला जाएगा। तो देखिए हमारा पाइप तैयार हो चुका, पूरा टाइट टाइट है, और अब इसको हम सोलेनोइड लगा करके इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए अब हम यहाँ पे सोलेनोइड लगाएंगे, ये देखिए पूरे अच्छे तरीके से गाइस ये करना है, जो भी दिक्कत ना आए करने में। ये देखिए हमने पाइप के जो काटे कट लगाए हुए टुकड़े को सोलेनोइड लगाना शुरू कर दिया। तो ये हमने बिल्कुल फेस के साथ फेस चिपका करके इस पाइप के अंदर इसको हमने लगा दिया। ये देखिए ये हमारा यहाँ पे देखिए, ये इस इतना ध्यान रखना कि हमारी पाइप के टुकड़े का फेस आपस में पूरे अच्छे तरीके से चिपका होना चाहिए। अगर आप नहीं चिपकाते तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा, पाइप का टुकड़ा सीधा आपका फर्स्ट फ्लोर में चला जाएगा, सॉरी ग्राउंड फ्लोर में चला जाएगा। तो इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। ये देखिए हमने पाइप का टुकड़ा लगा दिया, अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये सोलेनोइड ऊपर से लगाएंगे। ये देखिए सोलेनोइड लगाया और ऊपर इसके पाइप का टुकड़ा चढ़ा देंगे। अभी आपको एक एक स्टेप अच्छे से दिखा रहा हूँ। ये देखिए वो कोल्डर वाली साइड लग गया था, ये इसको सोलेनोइड लगाएंगे सोलेनोइड अच्छे से। ये देखिए ये गाइस पूरे अच्छे तरीके से हमारा पाइप का टुकड़ा लग चुका है, और कुछ ये कोल्डर हमारे नीचे वाले पाइप के ऊपर चढ़ गया और कुछ उस पाइप के ऊपर हो गया। तो गाइस अच्छे तरीके से जॉइंट लग चुका है, क्योंकि गाइस ये देसी जुगाड़ है, पूरा वर्क किया है इसको हमने जो लगाया है, इसको हम बाद में वर्क करके यूज़ कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से, कोई लीकेज नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। तो गाइस कभी कभी इंडिया में जुगाड़ कामयाब हो जाता है, जो कि आपके सामने हमने अभी करके दिखाया है, और बिल्कुल अच्छे से लगा है, कोई भी इसमें कॉलर बड़ा छोटा नहीं है। सो गाइस आपने देखा किस तरीके से हमने ये जो अपना रेन वाटर का पाइप, हमने एक पाइप का टुकड़ा लिया जो कि 3 इंची का पाइप था 90 mm का, उसको पहले बीच में से कट लगाया, थोड़ा सा कट लगा के उसको और छोटा करके हमने उसके अंदर पाइप के डाल दिया सोलेनोइड लगा करके, ऊपर से सोलेनोइड लगा कर हमने दूसरा टुकड़ा खड़ा कर दिया। तो गाइस इसमें अगर सोलेनोइड पूरे अच्छे तरीके से लग जाए पर कभी भी लीक नहीं होगा ये, क्योंकि हमने देखिए किस तरीके से जो जॉइंट लगाया, क्योंकि और कोई जुगाड़ लग नहीं रहा था, क्योंकि उसके ऊपर एल्बो चढ़ नहीं पा रहा था, ना ही टी या कोई सॉकेट चढ़ता। अगर हम सॉकेट के लिए जगह बनाते तो हमारा लेंटर सारा तोड़ना पड़ जाता। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा लेंटर तोड़ा ऊपर, कम से कम होगा कोई 1.5 इंच, 1.5 इंच से हमने उस नैनी ट्रिप का जो बंद करके पॉइंट हमने सीधा टुकड़ा निकाल दिया। और सीधा टुकड़ा हमेशा ध्यान रखना कि रेन वाटर एकदम प्रेशर से निकलेगा, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी रेन वाटर को। तो गाइस हमने जो हमारा यहाँ पे जो काम चलता है, कभी कभी क्या होता है जो कम से कम 3 इंची का रेन वाटर ही डालते हैं, अगर आपका एरिया ज़्यादा तो हम रेन वाटर ज़्यादा कर देते हैं। तो गाइस मैं आशा करता हूँ आपको काफ़ी सीखने को मिला होगा इस वीडियो से कि किस तरीके से जुगाड़ लग जाता है। तो गाइस जो मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो भाई चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बोला। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।